हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। अभी बज रहा है सुबह के, मेरे फ़ोन मेरी वॉच की बैटरी लो हो गई है। अभी बज रहे हैं सुबह के 8:30 और मैं उठ तो कब से ही गई हूँ, बस थोड़ा सा योगा वगैरह कुछ कर रही थी, इसलिए अभी थोड़ा अच्छा फील कर रही हूँ आज, इसलिए मैंने कहा ब्लॉग की स्टार्टिंग कर देती हूँ। और अभी फटाफट से ब्रेकफास्ट रेडी करती हूँ, एक बार तो नहा लेती हूँ, फिर ब्रेकफास्ट रेडी करती हूँ और फिर लंच भी रेडी कर देती हूँ, फिर जाऊँगी शॉप पे। अभी मैं ब्रश करके आ गई हूँ और अब फ़ोन को, घड़ी को, इन सबको चार्ज पे रख देती हूँ। जब तक नहा के आऊँगी तब तक ये सब मेरे कम्प्लीट होंगे। यानी फ़ोन वॉज डेड एंड वॉच इज़ ऑल्सो कम्प्लीटली डेड, तो अभी इनको रखते हैं चार्ज पे। इधर हो रही है चिकू की घड़ी चार्ज, तो मैं यहाँ पर मेरी घड़ी चार्ज पर रख देती हूँ। अभी रिसेंटली फेवरेट ये वाला फ़ोटो है, तो ये मैंने डिस्प्ले डाल रखा है। अब मैं जल्दी से जाके नहा लेती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। अभी हो गई हूँ मैं नहा कर रेडी, मैंने सिटी एम भी कर लिया है और अभी मैं मेरा ब्रेकफास्ट रेडी कर देती हूँ। चिकू को तो मैंने ब्रेकफास्ट दे दिया है क्योंकि वो लेट हो रहे थे शॉप पे जाने के लिए, इसलिए, और मैं आज थोड़ा धीरे धीरे काम कर रही हूँ इसलिए, तो चलिए मेरे लिए ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करते हैं। मैं मेरे ब्रेकफास्ट में फ्रूट कोई भी ज़रूर रखती हूँ, पर आज सारे फ्रूट्स ख़त्म हो चुके हैं, तो आज जाएंगे शॉपिंग करने तो फ्रूट्स ले आएंगे। तो आज मैं ओनली फॉर ब्रेकफास्ट में ले रही हूँ 1 ब्राउन ब्रेड एंड कॉफ़ी। ये है आज का ब्रेकफास्ट, कॉफ़ी और ब्राउन ब्रेड, और इसको फिनिश करके मैं आपसे मिलती हूँ। आज मैंने बनाई है चोटी। चोटी भले खुद कितनी भी अच्छी क्यों नहीं बना लो, पर एकदम कंफर्टेबल तो माँ वाली ही लगती है। नहीं, मम्मी जो बनाती थी वो एकदम परफेक्ट लगती थी, और आज जब चोटी बना रही थी तब मम्मी की बहुत याद आ रही थी, क्योंकि जब बचपन में छोटे थे ना, ऑयल वॉइल करते नहीं थे, ज़बरदस्त तेल डाल के चोटी बना के बैठा देती थी, तो वो टाइम बहुत याद आया। चोटी बनाई थी बहुत टाइम बाद मैंने चोटी बनाई है, आज इच्छा हो गई चोटी बनाने की। अभी तो बाल भी बहुत छोटे कर दिए मैंने, इसलिए चोटी इतनी अच्छी भी नहीं लग रही है, पर ठीक है, चलो कोई बात नहीं, पूरा दिन बाल संभालने ही नहीं पड़ते हैं इससे। तो अभी मैं खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ। अभी मैं भिंडी कट कर दूँगी और फिर भिंडी की सब्ज़ी बनाऊँगी। इसको थोड़ी देर सेट होने के लिए रख दिया है, थोड़ा और कुछ काम कर लेती हूँ और फिर मुझे जाना है जल्दी से शॉप पे। शॉप पे आ गए हैं कस्टमर, और कस्टमर को और कोई नहीं, मेरी फ्रेंड खुद आई है। वो थोड़े टाइम में ब्राइडल बनने वाली है, तो उसका जो सेशन है वो स्टार्ट हो गया प्री ब्राइडल का, तो उसका ब्राइडल सेशन करते हैं। अगर हो सकता है तो मैं आपको उससे ज़रूर मिलवाऊँगी। चेक कर दी कब? आज दिखा होनी तो चाहिए। बेचारा बच्चा, इतना मत रो, कई बार कहाँ गई मम्मी? मम्मी ने पी ली आई थिंक। लस्सी मिल चुकी है, हम ढूंढ रहे थे लस्सी। कैसे रोटी बेलते? ऐसे बेलते, ऐसे बनी है ना, परफेक्ट गोल। अभी जस्ट मेरा खाना हो गया है और आज मेड नहीं आने वाली है, सो मैं बर्तन भी कर लेती हूँ और स्टैंड भी साफ़ कर लेती हूँ, और फिर आज मुझसे बहुत ही ज़्यादा स्पेशल पर्सन मिलने आ रहा है, यानी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ द माई लाइफ, यानी कुछ लोग हैं जो मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, उनमें से एक है, उससे मैं आपको ज़रूर मिलवाऊंगी। यानी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी, जिससे मैं एक बात भी नहीं छुपाती, तो फटाफट काम निपटा के उससे मिलेंगे हम।
किचन हो गया है हमारा कंप्लीट क्लीन, और जाती हूँ शॉप पर, और शॉप पर कुछ काम है और मेरी फ्रेंड भी आने वाली है, उससे आपको मिलवाना है। ये आ गई मेरी फ्रेंड, बचपन के फ्रेंड है हम दोनों जने। कैसी है? हाय। कैसी है? बढ़िया। मेरी फैमिली को हाय बोल दे, अच्छे से इंट्रोड्यूस कर दे तेरे को। इसका नाम अनु है और हम दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं, बचपन से साथ में हैं। अभी जस्ट हुई हूँ मैं फ्री, अनु आई, बहुत ज़्यादा बातें की हमने, और घर पे थोड़ी देर रुके, फिर शॉप से कॉल आ गया कि कस्टमर है जल्दी आ जाइए, फिर शॉप पे आई, काम करते करते भी बातें की, फिर कुछ देर पहले ही गई है, आधा एक घंटा हो गया, वो गई। अभी बज रहे हैं 2:30 और अभी ज्योति भी अभी जस्ट खाने गई क्योंकि बहुत क्लाइंट्स थे, इसलिए बैक टू बैक अपॉइंटमेंट्स थे, तो हम दोनों ने जल्दी निपटा दिए और अभी कोई नहीं है। मैंने सोचा अब मैं कैमरा उठा के आप लोगों से बात कर लेती हूँ। बहुत टाइम बाद मैं अंजलि से मिली, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा, यानी बस मुझे रोना नहीं आया इतना हुआ था, क्योंकि हम लोग मिल रहे थे लगभग 2 साल के बाद। मेरी एक और फ्रेंड भी आई थी, करिश्मा, जिसका मैंने फर्स्ट में फ़ोटोशूट किया था, मेरी जो ये जर्नी स्टार्ट हुई थी मैंने उसके साथ ही मेरी जर्नी स्टार्ट की थी, यानी मेरे इंस्टाग्राम पर मैंने फ़र्स्ट फ़ोटोशूट उसका ही करके डाला था ब्राइडल का, वहाँ से फिर बाद में लेके मैंने यूट्यूब चालू किया, फिर आप सब लोगों से मुलाकात हुई, अब अच्छा लग रहा है, अब लग रहा है कुछ तो किया है मैंने, कुछ थोड़ा बहुत ही, पर कुछ तो किया है। थक गई हूँ, थोड़ी देर रेस्ट करूँगी सोच रही हूँ। पूरा सैलून है वो सैनिटाइज कर दिया है, अभी फाइनली कोई कस्टमर नहीं है, अभी थोड़ी देर के बाद अपॉइंटमेंट आ गए हैं, लोग चालू हो जाएंगे, फिर आपसे बात होगी। कोशिश की मैंने गई अंजलि और मेरी जो बातें थी वो मैं कवर करूं, पर घर पे थे फिर थोड़ी देर नहीं कर पाई क्योंकि सैलून तो आना ही था इसलिए, और यहाँ पे आने के बाद बैक टू बैक अपॉइंटमेंट्स थे तो कुछ हो ही नहीं पाया। आज मैं सोच रही हूँ कि मेरे हेयर का जो है वो वापस हाईलाइट कर दूँ, पूरा ग्लोबल हाईलाइट कर दूँ, क्योंकि उतर गए हैं बालों में से, ऐसा लग रहा है हाईलाइट्स। तो अभी ज्योति आ गई है तो ज्योति से करवाऊँगी, कलर तो मैं बना दूंगी और ज्योति कर देगी, तो देखते हैं कैसा होता है। मैं सोच रही हूँ कुछ डिफरेंट टाइप का करूँ, पर अगर हो पाता है तो ज़रूर करूँगी। हाईलाइट अभी कुछ टाइम पहले कराई थी पर अभी वापस इच्छा होगी करवाने की, और अभी थोड़ी मुझे ज़्यादा करनी है क्योंकि एक्चुअली क्या चिकू को बहुत ज़्यादा पसंद है हाईलाइट्स, और उनको जो पसंद है वो करने का ट्राई करूँगी, यानी उनकी जो फेवरेट सेलिब्रिटी है जेनिफर विंगेट, उनके जैसे बाल चाहिए, अब उसके जैसे तो करने का ट्राई करेंगे। ट्राई मैं पूरे बालों में मुझे हाईलाइटनिंग करनी है, इसलिए मैं अच्छे सेक्शन निकाल रही हूँ, मुझे कहाँ कहाँ पर हाईलाइटनिंग यानी दिखने जैसे करनी है उस हिसाब से मैंने यहाँ पर मेरे हेयर की है वो सेक्शनिंग कर दी है, और मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ लॉरियल का मार्जल हाई लिफ्ट करके, ये शेड है, ये मैं आज मेरे हाईलाइटनिंग के लिए यूज़ कर रही हूँ, और मैं 40 वॉल्यूम के साथ यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मुझे हेवी लिफ्टिंग चाहिए इसलिए। तो और मैं जो कलर ट्यूब यूज़ की है वो भी हैवी लिफ्टिंग की ही, मैंने सेक्शनिंग उस हिसाब से कर ली है जिस हिसाब से मुझे मेरे हेयर कलर को दिखाना है, और मैं वैसे वैसे ज्योति को गाइड करती हूँ, वो मेरे वेविंग निकाल देगी हेयर्स, और इसका जो रेशियो है वो 1:2 है, मुझे जितना कलर ले मैंने कलर ट्यूब जितनी ले ली है उससे जस्ट डबल मुझे वॉल्यूम लेना है, तो इसका कलर है बेस्ट टाइम। तो मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ, कोई भी लम्स नहीं होने चाहिए इसके अंदर इसलिए, और ज्योति वीविंग निकाल रही है। बाल हाईलाइट तो कर दिए, पर पूरे बाल हाईलाइट हो गए थे, सिर्फ ये आगे का सेक्शन बाकी था और कस्टमर आ गए, सो इसको आज स्किप कर दिया है, इसको करूँगी कल, और बाकी इधर साइड तो बहुत अच्छे से हाईलाइट हो गए हैं, इसको मैं अच्छे से ब्लो ड्राई करके आपको बताऊँगी, बहुत अच्छे लग रहे हैं बाल। अभी जाते हैं घर पे और अभी बज गई हैं 6 बज गई हैं, खाना वगैरह खाना है, घर पे जाके खाना वगैरह बनाएंगे फिर खाएंगे, फिर आपसे बात मिलते हैं। आज यहाँ पर हमारे पर्दा लग गया है क्योंकि तो बहुत ज़्यादा धूप आती है इसलिए, बहुत ज़्यादा धूप आती है, आज फाइनली लग गया है। कैसे लग रहे हैं मेरे बाल?
आधे कलर हुए हुए और आधे फिगर कलर हुए हुए, कल कर लेंगे इनको, तो फिर मैं आपको बताऊंगी पूरा प्रॉपर लुक, क्योंकि आज मैंने शेयर ही नहीं किया क्योंकि आपको कुछ समझ में ही नहीं आएगा इसलिए। और अभी मैंने खाना बना दिया है, खाने में बनी है आज खिचड़ी और पराठे बनाए हैं, तो पापा और मेरे दोनों के ही खाना था, मम्मी के है व्रत और चिकू के आज डाइट में थे मिल्क ओट्स, तो उनको खिला दिए, और पापा और मेरे दोनों के खाना है, तो अभी बन गया है, तो अभी मैं सर्व करके लाऊंगी और आपको दिखाऊंगी कैसी बनी है खिचड़ी। ये हमारी खिचड़ी और ये हमारे पराठे, आपको तो सिर्फ दिखने में ही अच्छी दिख रही होगी, टेस्ट में तो आपको बता नहीं सकती। कौन मिल रहा है देखिए ये ऑनलाइन हमसे, भाभी और भैया। अभी खाना वगैरह सब हो चुका है और आज का दिन बहुत ही ज़्यादा हैक्टिक रहा था और मैं थक भी गई हूँ बहुत ज़्यादा, तो इसी के साथ मैं यहाँ पर व्लॉग को एंड कर रही हूँ। अगर ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई व्लॉग, मिलते हैं किसी नेक्स्ट अच्छे से व्लॉग में।